हाँ तो बच्चों, आज बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा था कि सर 11th में एक डाउट आ रहा है। सेट सेट चैप्टर का नाम है, उसमें बहुत लोगों को डाउट आ रहा है। सब क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है उनके माइंड में, है ना। तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए लाया हूँ, है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा तो आप कमेंट करोगे, आप लोग को अगर पसंद पड़ा तो मैं अगली वीडियो इसकी लाऊंगा, ठीक है। तो की बात चलिए, पहला जो बात है हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट। एक्चुअली सेट में प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रहा होगा, सेट का एक्चुअली हिंदी नाम है समुच्चय, है ना। देखो सेट का यूज क्यों है, सेट हम पढ़ते क्यों है। सेट का कारण ये है क्योंकि अगर मैं एक सिचुएशन लूं कि एक्स जो है मान लिया जाए ग्रेटर है फोर, एक सिचुएशन मैंने लिया। अब बताओ एक्स की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो तुम कहोगे कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। फोर से ग्रेटर है ना, तो 4.12 हो सकता है, 4.12 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो आप उस वैल्यूज को आप क्या करोगे, एक सेट में एक 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 ऑर्डर में लिखने के लिए आप एक क्या करते हो, सेट का फॉर्मेशन करते हो, है ना। उस सारे सारे वैल्यूज को लिखने के लिए आप क्या करते हो, एक सेट बनाते हो, ठीक है। इसमें सारे के सारी वैल्यूज को इंटर करके आप बता देते हो कि इतनी सारी वैल्यूज है ना, इसीलिए सेट का रिक्वायरमेंट है। समझ में आया कि जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा या नहीं भी है ना, तो भी हम सेट का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है और हर एक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना इतना आसान होता नहीं है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। अब मान लिया जाए, अगर बोल दिया जाए आपको कि आपके पास 100 ऐसी वैल्यूज हैं, 100 वैल्यूज, तो आप 100 ऐसी वैल्यूज को आप लिख के हर बार दर्शाना संभव है नहीं। तो आप उसके लिए पर्टिकुलर पैटर्न तैयार करते हो, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार करते हो, है ना। जिसके कारण जैसे ये मेरा स्ट्रक्चर है, अब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, जिसमें आ सकती है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक अब इस सेट को समझाता हूं कि ये सेट होता क्या है। सेट देखिए, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी ये तो बहुत हमने सुना है कि भाई ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बहुत सारे हमने सुना है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और ये सेट एक मंजिली क्वेश्चन जो होता है ना, मंजिली बोलते हैं हम लोग, या फिर मिडिल ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको। तो जैसे मान लिया जाए AEIOU, एक मैंने अपने मन से एक सेट लिया, ठीक है। ये सेट क्यों है ये भी मैं समझाऊंगा। तो एक सेट मैंने लिया, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है ये मैं समझा रहा हूं। ये और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं एक सेट में, तो 5 आप बोलोगे, है ना। ये क्या है, एक एलिमेंट भी है, एक ऑब्जेक्ट भी है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सेट का ए क्या है, एलिमेंट है। ई क्या है, एलिमेंट है। आई एक एलिमेंट है, ओ एलिमेंट है, और यू भी एक एलिमेंट है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट है। अब जैसा कि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है ये समझ आ गया। अब कलेक्शन क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं ना एक एक ग्रुप, है ना, तो इसीलिए कलेक्शन हम कह रहे हैं। अब मेन जो है ना पूरा सेट को बनाता है कौन, ये वेल डिफाइंड वाला। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि यूनिवर्सली सबका सेम सिचुएशन आना चाहिए, सबका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक एग्जांपल है कि नेम कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट बॉयज इन क्लास 11, क्लियर है। ये 11th क्लास के 5 ऐसे बच्चों का नाम बताना है जिस जो कि काफी पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने 5 के बारे में पूछा।
पांच के बारे में पूछा तो हरेक का राय अपना अपना हो। एक बच्चे ने बताया कि राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है और गीता, ऐसा कुछ बता दिया। ठीक है, एक बच्चे ने। फिर दूसरे बच्चे को मैंने खड़ा किया और उससे पूछा कि भाई तू बता कि यही इसी का आंसर तुम्हें बताना है। तो उसने बोला कि राम नहीं है सर, मेरे नजर में राम इज नॉट इंटेलिजेंट, है ना। तो वो बोलेगा कि मेरे नजर में श्याम जो बंदा है ना वो बहुत अच्छा है पढ़ने में। यानी इनका जो है ना क्राइटेरिया इंटेलिजेंसी चेक करने का वो अलग ही है मापदंड। तो इसका ये मतलब हुआ, इनका आंसर क्या हुआ, मोहन आ जाएगा इनके कैटेगरी में, चलो सोहन भी आ गया है ना, और सीता नहीं आई और राजन आ गया, ठीक है, और गीता आ गई। इस तरीके से दूसरे बच्चे का आंसर ये रहा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इतने सारे बच्चे हैं, सबसे मैं पूछूंगा तो सबका आंसर कुछ ना कुछ वैरी कर रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो क्वेश्चन का जवाब है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में नहीं है। समझ आ रहा बात, एक वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी से भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जाके कुछ भी पूछूं किसी से, तो सबका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि बताओ वॉवेल कितने हैं, है ना, पांचों वॉवेल होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ फाइव वॉवेल, तो सभी का आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा, ये सभी बता देंगे ए आई ओ यू, है ना। कोई ऐसा बोलेगा क्या कि एस एक वॉवेल है, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है, सभी का आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सभी प्रजातियों का अंतर निहित हो, सेम हो, तो उसको हम कहेंगे सेट, है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ फाइव मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, मोस्ट पॉपुलर, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को नहीं पसंद, है ना, किसी को इमरान हाशमी पसंद, किसी को नहीं पसंद। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है कि सबका अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना इंटरेस्ट है ना। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वो वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आता तो क्या वो सेट होगा, तो वो सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए वेल डिफिनेशन, वेल डिफाइंड होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब हम कुछ बातों का कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको और अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल है मेरा पहला, पहला एग्जाम्पल है कि जैसे कि ये मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कलेक्शन ऑफ इवेंट प्राइम नंबर, तो क्या बोलोगे आप, कलेक्शन ऑफ इवेंट प्राइम नंबर। अब मैं किसी से भी पूछूं तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है ना, वो क्या है, दो, है ना, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या है भाई, ये एक इकलौता एक सेट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें आएगा। अब ये सेट है या नहीं, हमारा मुद्दे वाली बात ये है, ये सेट है या नहीं है। तो मैं किसी से भी ये सवाल करूंगा तो ये जवाब क्या देगा, या यही आएगा ना जवाब, ऐसा तो है नहीं कि एक्चुअल जवाब कुछ और ही हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये सेट है। समझ आ गया। अब हम बोलेंगे कि अल्फाबेट्स ऑफ एक्स इज अ, जैसे हम एक सेट का नाम बताते हैं, जैसे हम इस तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज अ अल्फा बिट ऑफ रैक। अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या एक सेट है या नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात करूं आर ए टी, तीन वर्ड से बना हुआ है, आर ए तीन अल्फाबेट्स हैं इसमें, अब तीनों अल्फाबेट्स में हम कह सकते हैं कि इसमें अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये क्या है, सबके लिए सेम होगा ना, सबके लिए सेम होगा। कोई ऐसे ही बताएगा, कोई बोलेगा कि नहीं सर ये आर ए टी नहीं होगा, ए आर टी हम लिखेंगे, तो आप लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसका अरेंजमेंट ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन सेम एलिमेंट ही है ना सेट में, तो आप बोलोगे कि ये दोनों क्या है, सेम सेट है ना, सेम सेट है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, आप उसके एलिमेंट्स को इधर उधर कर सकते हो। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से जो भी आपको वेल डिफाइंड सेट दिखेंगे वो सारे के सारे सेट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। जैसे पांच नदियों के नाम, पांच नदियों के नाम किस में आएगा, नॉर्मल सी बात है, वो सेट से ही होगा, है ना। सबसे खतरनाक जानवरों का एक कलेक्शन ग्रुप, वो सेट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। क्यों? कि तुम्हारे अकॉर्डिंग खतरनाक जानवर सांप हो सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग सांप एक खतरनाक जानवर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि अपने जो थाउट्स है ना वो बदलते रहते हैं, ये बदलाव अगर किसी चीज के प्रति नहीं होगा तो वो हमारा वेल डिफाइंड होना। समझ में आ गया? अब ये सब चीजें तो हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है कि मैं सेट पढ़ने से पहले ये बता दूं आपको कि कुछ बातों का जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ सिंबल आपको मिलेंगे, कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नॉर्मल सी बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसका सेट बना के आप ऐसे लिख सकते हो, 1, 2। अभी तक आपने यही किया है कि आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन अब से ये समझना है कि कैपिटल एन को हम बोल सकते हैं इट्स अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। दूसरा ये हो सकता है कि आई, कभी कभी जेड आपको दिखेगा, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सारा इंटीजर्स का सेट आपको दिखेगा, इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, वो मैं क्लास के अंतर्गत ही बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैसे एक सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, दो तरीके हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट हम दो तरीकों से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म जो है आपको कैसे बोलोगे, आप किस फॉर्म में होता है, ये एक जैसे कि हमने बोला था मिडिल ब्रैकेट से वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, पूरा उसी के अंदर होता है। तो आप बोलोगे कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर से यूज करते हो, और आप इस ये जो है आप मिडिल ब्रैकेट का यूज करोगे, और उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें वो सारे के सारे उसमें आएंगे, है ना। जैसे मैं बात करूं कि ये 1, 2, 3, 4, ये एक मैंने एक नंबर चार एलिमेंट का एक सेट बना दिया, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4, और ए एक सेट है, मैं ये ऐसे पढ़ूंगा इसको। और ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा फॉर्म रहेगा तो आप बोलोगे कि ये रोस्टर फॉर्म है ना, या टेबुलर फॉर्म है। लेकिन अगर मुझे बोला गया कि भाई नहीं, मुझे रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करना, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म्स में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं इसको कर लेता हूं कन्वर्ट। और कैसे करूंगा, ए एक सेट है, अब एक्स कोलोन, है ना, एक्स कोलोन, यहाँ पे ये बोलना होगा कि उसके लिए कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन बता रहा होगा, एक ऐसा मतलब एक स्टेटमेंट तैयार करना होगा आपको, जिसमें कि आप कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी करो, इसको देख के मैं ये रोस्टर फॉर्म क्रिएट कर पाऊं, है ना। कुछ ऐसा आपको सोचना होगा इसको बनाने के लिए। तो आप जैसे मैं सोचता हूँ इसको 1, 2, 3, 4, हमको इसको ऐसा, हमको रोस्ट इसको सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म्स में सोचना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या आपको दिख रहा है, एक कंटिन्यूअस नंबर है ना, तो हम बोलेंगे ये टोटल नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे, और ये चार तक ही सीमित हो गया ना, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है, तो इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन मुझे तो चार ही चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, 5 से कम कर दूंगा। जैसे हम बोलेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5,
ये हमारा सेट तैयार हो चुका है ना, ये हमारा सेट तैयार हो चुका है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप इसको देखोगे तो आप क्या बताओगे कि x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, क्या मतलब क्या है कि 1, 2, 3 और 4, 5 तक आप जाओगे नहीं क्योंकि लेस देन बोला है ना 5। अगर यहां बोला लेस देन इक्वल टू 5 देन यू विल हैव टू इन्वॉल्व 5 हियर। ओके, तो इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपका तैयार हो चुका है, क्लियर है। अब मैं आता हूं कि इसके टाइप कितने होते हैं, सेट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सेट के जो प्रकार होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इसके लिए कि एक्स है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये सेमी कॉलन नहीं, कभी कभी ऐसा भी दिया होता है, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। एक्स इज अ वॉवेल, कुछ भी हो सकता है ना, सेट कुछ भी हो सकता है। अब नॉर्मल की बात है, हमने मैथ्स इतनी पढ़ रखी है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो हमको सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, बस हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो मैथ्स जानते ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज अ बॉबेल, यानी क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, है ना। नॉर्मल सी बात है, ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है ना, अब कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के सेट होते हैं, है ना, सेट बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो हम लेते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, क्योंकि आपको ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फाइनाइट जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे मैं बात करूं 2, 3, 5, 6, ये 4 एलिमेंट्स हैं सिर्फ, है ना, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। एक बात और मैं बता दूं, इसमें एक सिंबल आपको बार बार देखने को मिलेगा, ये है ना, इसको हम नाम से बुलाते हैं बिलोंग्स टू, क्या बुलाते हैं, बिलोंग टू, है ना। इसका मतलब है ये कब आता है, जैसे मैं बात करूं ये सेट को देख के बताओ आप कि 2 स्पेस A, अब ये आपको फिल करना है, ये होगा या ये होगा, इसका मतलब है 2 बिलोंग्स टू A या फिर 2 does not belong to A, तो आपको ये सेट देखना है। और ये सेट देखने के बाद ये देखना है सेट में कहीं 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है कहीं, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 इसमें मौजूद है, बिलोंग टू का मतलब होता है मौजूद है, इसका मतलब हो गया कि 2 A के सेट में मौजूद है, इसलिए बिलोंग टू। अब मैं बोलता हूं कि 7 A में है क्या, इस सेट को देख के बताओ, तो डज नॉट बिलोंग टू, बस ये बिलोंग टू का मतलब बस इतना ही होता है, क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा क्वेश्चन का, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट में जैसे आ जाएगा आपका, कोई एग्जांपल बता दो आप, तो ये कोई सेट है ना, ये कोई सेट है क्या, सेट ऑफ, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब आप ही सोचो कि यहां पे मैंने तो सिर्फ बोला है नेचुरल नंबर, हाँ तो नेचुरल नंबर इसका मतलब है कि बहुत सारा हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक, तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न इनफाइनाइट है। ये कौन से फॉर्म में हमने लिख दिया है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा इनफाइनाइट सेट को, तो इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करना संभव तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1, 2, 3, 3 से 4 एलिमेंट आप लिखोगे और उसके बाद 3 डॉट आप दे दोगे, ताकि इससे ये पता चलेगा कि ये प्रोसीड कर रहा है, ठीक
ठीक है, तीन डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दोगे और इससे ये पता चलेगा कि ये आगे जाएगा और ये एक कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब ये कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट एक्चुअली क्या होता है कि देखिए कि नंबर कोई भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वो हमारा हो जाएगा कार्डिनल नंबर, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये हमने लिया ए ई आई ओ यू, ये एक सेट हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, और मैं अगर बात करूं कि इसका कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ सेट इन सेट ए, दैट विल गिव यू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एक दो तीन चार पांच, ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइव। समझ आ गया ये आपको? तो ये जब भी n लगा देना आगे तो आपको समझना है कि एलिमेंट उस सेट में एलिमेंट कितने हैं, है ना, पर्टिकुलर सेट a बोला है तो a के सेट को आपको देखना है, क्लियर है। अब इस तरीके से आपको बताना है कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि दो ऐसे सेट के बारे में बोल रहा है, जैसे मैं मान लू कि एक सेट है वन और टू और बी एक सेट है फाइव और सिक्स, है ना। तो ये क्या, ये दो सेट में इक्विवेलेंट का रिलेशन है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इक्विवेलेंट का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट का कंडीशन ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ए जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट टू बी होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जैसे कि ये ए और बी क्या एक दूसरे के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, तो आप बोलोगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एन ऑफ ए क्या है, एक और दो, दो है यहाँ पे और यहाँ पे एक और दो, यानी यहाँ भी दो है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू टू, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया। अब इसके बाद इक्विवेलेंट सेट होने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये होता है क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो हम इक्वल सेट में बता दें कि इक्वल सेट वैसे दो सेट को कहते हैं, दो सेट के बीच में इक्वल रिलेशन तब आता है जब उन दोनों के बीच में हूबहू, है ना, समझना बात को, हूबहू सेम एलिमेंट्स भी हो, है ना, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि एक ए सेट है जो कि हम बोल सकते हैं एक्स, एक्स इज एन अल्फाबेट ऑफ रेड, है ना, और बी कोई दूसरा सेट है, एक्स इज एन अल्फाबेट ऑफ, क्या हो सकता है, हम क्या दे दें, हाँ आठ कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बन गया। अब नॉर्मल सी बात है, आपका रेड है और ये हो गया आठ, तो ये दोनों में आप देखो कि क्या इसके क्वेश्चन है ना इक्वल सेट्स हैं, दोनों ए और बी इक्वल सेट्स में आएगा, तो आपको ये देखना है, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आपको करना क्या है, पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और रोस्टर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करोगे
एक्स इज एन अल्फाबेट्स ऑफ रैट है, यानी कौन कौन से वर्ड इसमें अल्फाबेट्स हैं, तो आर है, ए है और टी है। बी के केस में आप देखो, इसको भी रोस्टर फॉर्म में करो तो ये होगा आर ए टी, इसमें भी है ए है, आर है और टी है, क्योंकि ये दोनों सेट में एलिमेंट क्या है, हूबहु सेम है, बस इधर का उधर किया हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो ये ए और बी वो क्या होंगे, इक्वल सेट में आएंगे, यानी हम बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी, ए सेट और बी सेट क्या होगा, एकदम बराबर होगा। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से हमने इक्वल सेट को भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है नल सेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। नल सेट क्या होता है कि नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या हो, जीरो हो जाए, यानी कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या, कौन सा सेट हो सकता है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं पहले, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि x है ना, x is an इवन पॉजिटिव प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दो तो खुद ही अकेला एक इवन और प्राइम नंबर है, उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो आप बोलोगे कि इसमें कोई भी सेट नहीं आ पाएगा, कोई भी एलिमेंट आ नहीं पाएगा, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये, है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर अगर ये ब्रैकेट नहीं दे रहे हो आप तो ये, है ना, ऐसा कभी मत करना कि ये कर दो आप, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि जब आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक नल सेट यानी एम्प्टी सेट की बात कर रहे हो, तो ये गलत है। आपको रिप्रेजेंट या तो इसको करो, नहीं तो फिर इसको करो, है ना, यही एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नहीं तो फिर पता चला ये क्या हो गया, एक नल सेट है पूरे एक सेट में, ठीक है, एक अलग सेट के अंदर एक नल सेट बैठा हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा बात। तो ये आपका सही है, ये भी रिप्रेजेंटेशन आपका सही है, लेकिन ये जो है वो इस केस के लिए गलत है, समझ में आया। अब मैं बात करूं, नल सेट तो हो गया, समझ आ गया मुझे, है ना, अब मैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा नल सेट के बाद। तो नल, जैसे नल सेट में एक एग्जांपल और भी बता सकते हो कि वैसे मैन का कलेक्शन बताओ जो कि इमॉर्टल है ना, अमरणशील है, अमर है, तो इसमें कोई भी मैन तो आएगा नहीं इसमें, है ना, जो कि अमर रहे, सभी मॉर्टल है, सभी को मरना है, तो इस कारण से यहां पे आपने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे और बढ़ते हैं, जो कि है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में आता क्या है कि जैसा नाम आपको पता चल रहा है कि द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। तो जैसे हम ये अगर बात करें, और ये क्या है, मान लिया जाए मैं बात करूं टू, तो ये क्या है, एक सिंगल टन सेट है, है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वन है। उसी तरीके से पेयर सेट्स आते हैं, पेयर सेट्स। तो पेयर सेट्स में आप, नॉर्मल की बात है, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, दो होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ये आर और एस, एक एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पेयर सेट है, ये सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है, सॉरी, है ना। अब अगर हम बात करें कुछ एक और टॉपिक की, तो होता है क्या, सेट ऑफ सेट। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, एक ए मैंने एक सेट लिया, और ये सेट है उसके अंतर्गत दो तीन सेट मैं ले लूं, अब ये क्या है, वन
अब ये है आपका एक सेट है जिसमें कि बहुत सारे सेट इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब 1 2 का सेट जो कि इस ए के सेट में इन्वॉल्व है, 1 इसमें इन्वॉल्व है, और ये 2 और 3 का एक सेट है जो कि इस पूरे सेट में इन्वॉल्व है। तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ सेट, मतलब सेट के अंदर भी सेट होना। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पे बात करूंगा जिससे कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा कि आप कैसे सेट को पहचान सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, कुछ क्वेश्चन लूंगा, और बस आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि फर्स्ट आपको बताना ये है कि कलेक्शन ये जो है सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल जे। अब जे से स्टार्ट होने वाला भाई मंथ का कलेक्शन बताना है। ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। अब नॉर्मल सी बात, 12 में से जे से स्टार्ट होने वाला कौन है? कौन कौन? जनवरी है, उसके बाद आता है जून आता है, उसके बाद जुलाई आता है, और तो आता नहीं कोई। तो 3 मंथ है। तो इस साइड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया जनवरी, जून हो गया, और ये जुलाई हो गया। ये हमारे पास 3 एलिमेंट है सेट में। अब मैं नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेट है या नहीं है, तो मैं सबसे पूछूंगा, आपके दिमाग में बस ये सेट होना चाहिए कि मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछ लूं तो सबका आंसर यही होगा कि नहीं। सबका आंसर ये होगा, तो नॉर्मल सी बात है, ये वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है तो सेट होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये सेट होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग डिफरेंस है। बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट, 10 स्मार्ट स्टूडेंट का नाम बताओ आपके क्लास के, तो आप बताओगे कि नहीं ये भी सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड है नहीं। 5 नदियों के नाम है ना, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप को ये सोचना होगा कि ये जो क्वेश्चन बुक ऑथर्स के नाम मोस्ट है ना, इंटरेक्टिव बुक ऑथर्स जो हैं वो उनके नाम, तो ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता, जिसके कारण से ये सेट नहीं होते। समझ में आ रहा है बात? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट फॉर्म में चल की ओर चलता हूं। ये आपका सेट है, ये आपका सेट है, कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है ना। आपको सेट बिल्डर में इसको कन्वर्ट करना है कि आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाना स्टार्ट करें पॉज करके बटन, और मैं इसको बना देता हूं अब। ठीक है, ये है क्या, ये एक्चुअली ये एक रोस्टर फॉर्म में है। मैं इसको लिखता हूं एक्स सेमी कॉलन, एक्स क्या एक एक्स इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ना, ये क्या है, मान लिया जाए ये एन है, एन का स्क्वायर है ना, या फिर हम कुछ भी नाम यहां पे दे सकते हैं ना, वाई का स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। क्योंकि देखो आप, 1 मिनट, 5 पे पावर हम कुछ वाई दे देते हैं, अब ये ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स सेमी कॉलन, एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर y। लेकिन यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको देख के अगर मैं y की वैल्यू से यहां पे कुछ करता जाऊं है ना, मैं y रखने से अच्छा है कि x ही रख दूं इसको। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 की पावर x, और यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, x की वैल्यू लेस देन 5 होगी है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्स की वैल्यू आपको लेनी है 1 2 3 एंड 4। इससे भी आपको यही पता चल रहा है कि आप क्या हो गया, ये वैल्यू आप जैसे जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे, 1 रखो 5 हो गया, 2 रखो 25, 3 रखो 125, 4 रखो 625। समझ आ रहा है बात? तो इस तरीके से आपने सेट बिल्डर फॉर्म तैयार कर लिया है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट पे हो, और भी फॉर्मेट हो सकते हैं आपके सोचने के अनुसार, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि इसको देख के, कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो, इसको देख के
अगर हम कुछ भी करें तो हमारा रोस्टर फॉर्म इसका तैयार होना चाहिए कुछ ऐसा ही, ये ना कि कुछ और तैयार हो जाए, तो आपका ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म वो गलत हो जाएगा उसके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमको सारे कंडीशन को बहुत अच्छे ढंग से लिख देना वहां पे बहुत ही जरूरी है ना। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें मैं अब दूंगा सेट बिल्डर फॉर्म, उससे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हो गया एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स 4, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको आपको देख के बताना गया है कि ये हमको रोस्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो रोस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू, क्योंकि इंटीजर है ना, तो इंटीजर में क्या क्या होगा, -3 और 4 के बीच में हमको चाहिए, और इसमें इन्वॉल्व कौन है, ये -3 इन्वॉल्व है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आपको दिखना है, तो इसका मतलब ये इन्वॉल्व तो है नहीं, 4 इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा -3 होगा नहीं, उसके बाद जो इंटीजर आता है वो -2 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। अब आपके दिमाग में आया 4 क्या है, क्यों आया, क्या 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको दिख रहा है, तो ये 4 इसलिए आया, और ये सारे के सारे क्या है, एक इंटीजर है, जिस कारण से ये आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, आशा करता हूँ ये आपको पसंद पड़ा होगा। आप जितना थ्योरी पढ़े हो उससे आप या तो केसी सिन्हा आपके पास बुक है या कोई भी बुक है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आराम से बन जाएगा। अब जो बेसिक नॉलेज है आपका बिल्ड हो चुका है टेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, टेस्ट के लिए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा कि नहीं सर दूसरा लेक्चर हमको चाहिए, है ना। तो जितना ज्यादा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हो सके तो जल्दी से मेरा, अगर मतलब जितना थ्रेशोल्ड दिया हुआ है ना, अगर उतना सब्सक्राइबर छूट गया तो मैं पक्का लाइव आके मैं अपनी क्लासेस आपको दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।